वो क्या दे रहे हैं शहीद परिवार को? बकरी और भैंसी दे रहे हैं। बकरी और भैंसी से कहीं शहीद परिवार का सम्मान होगा? मुख्यमंत्री जी राजनीति ठग हैं, राजनीति बेईमान आदमी है। उनका कैबिनेट में घोषणा था कि पहले कैबिनेट के बैठक से हम 50-50 लाख रुपए देंगे, लेकिन एक भी शहीद को 50 लाख रुपए नहीं। हजारों हजार साइकिल खरीद की है, उस पर मुद्दा चल रहा है, 23 करोड़ का मुद्दा अदालत में है, कर्मचारी लोग मुद्दा ढो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी चुनाव जो मुख्यमंत्री 5 वर्ष में एक पोखरी का काम नहीं कर सकता है, वो तो निकम्मा है, वो तो फेल है। इसलिए परिवर्तन करना है, सदाचार का एजेंडा है, ईमानदारिता का एजेंडा, क्योंकि इससे पहले जो जीत कर मुख्यमंत्री जी गए हैं इस क्षेत्र से, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया, शिक्षा स्वास्थ्य और विकास निर्माण की बात। नमस्कार, इस वक्त नेपाल के परसा क्षेत्र संख्या 1 ख में है और मेरे साथ यहाँ का प्रदेश सभा सदस्य राम नारायण प्रसाद कुर्मी जी हैं और इस समय यह विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और इनका जो लड़ाई चल रहा है डायरेक्ट एक मुख्यमंत्री से फाइट कर रहे हैं और यहाँ का जो जनता है उनका भी कहना है साफ तौर पर कि अगर राम नारायण प्रसाद कुर्मी जीतते हैं तो उन्हें हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपना प्यार आशीर्वाद इस समय वो लोग भरपूर दे रहे हैं। सबसे पहले बिहारी खबर तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस समय आप चुनाव लड़ रहे हैं एक विधायक का, और तो आपका मुख्य एजेंडा क्या है? मेरा मुख्य एजेंडा है अपने निर्वाचन क्षेत्र में, ये प्रदेश ख जो है इसमें सबसे पहले युवा लोग जो बेरोजगार है उन लोग को रोजगारी देने का एजेंडा है। इसके लिए रोजगारी सृजना करना है, वो भी कैसे सृजना करना है कि मेरे क्षेत्र के हर एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में मुझे इंजीनियरिंग स्कूल चलाना है, इंजीनियरिंग कक्षा चलाना है। आपने कोई घोषणा पत्र जारी किया है कि नहीं आपने? जी, मेरा घोषणा पत्र ही है जिसमें बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास निर्माण की बातें हैं, वही मैं आपके सामने उसको प्रश्न पारना चाहता हूँ। तो हर एक स्कूल में जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में वास्तव में देखिएगा तो गरीब तबका के लोग पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी गरीब तबका में ही है। तो मेरा एकदम सोचना क्या है कि जो सरकारी स्कूल का उसको हर एक वार्ड में, 9 वार्ड है मेरा, 9 वार्ड में टेक्निकल एजुकेशन का व्यवस्था करूँगा, प्राविधिक शिक्षा का व्यवस्था करूँगा और कहीं सिविल इंजीनियरिंग, कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसे दक्ष जन शक्ति तैयार करके मैं युवा लोगों को रोजगार सृजना करूँगा। एक दूसरा, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को सिप इलम सिखाकर CTPT के मार्फत से, सरकार का एक निकाय है CTPT जो इलम सिखाता है, उसके माध्यम से मैं उन लोगों को सिप सिखाकर कम पढ़े लिखे युवा लोगों को भी रोजगार देने का मेरा एजेंडा है। दूसरा दूसरा एजेंडा क्या है कि अभी जो हमारा वार्ड में 9 वार्ड का जो स्कूल है सबका अवस्था बदतर है, शैक्षिक अवस्था जो बहुत गिरा हुआ है, नीचे है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आऊँगा तो मैं अपना बजट और मेरा प्राथमिकता शिक्षा होगा, शिक्षा को, गुणस्तर को मुझे ऊपर उठाना है। यानी जनता जब शिक्षित होंगे तभी विकास और विकसित होगा। शिक्षा और विकास जुड़ा हुआ चीज़ है, इसलिए सबसे पहले मानव का विकास होना चाहिए। जब तक वो शिक्षित नहीं होगा तब तक मानव विकास नहीं होगा, अब मानव विकास नहीं होगा तो भौतिक विकास भी नहीं होगा। इसलिए मेरा बात है जो पहले मानव संसाधन को शिक्षित करना है। एक दूसरी बात है, मेरे यहाँ स्वास्थ्य का अवस्था नाजुक है, मैं जहाँ घूमता हूँ देखता हूँ काफ़ी लोग, विपणन लोग बीमार हैं, बहुत लोग दवा दारू से नहीं कर पा रहे। जैसे मैं आपके जो नारायणी अस्पताल है, अपने जैसे कह रहे थे, और नारायणी अस्पताल के साथ ही उसका भी हालात ठीक नहीं है, बहुत बुरा। नारायणी अस्पताल आज के दिन में देखिए तो बीरगंज का सबसे बड़ा अस्पताल है, 4 जिला का बीच का अस्पताल है, लेकिन यहाँ सेवा दुरुस्त नहीं है, डॉक्टर लोग टाइम में नहीं जाते हैं, दवा टाइम में नहीं मिलता है, सेवा टाइम में नहीं मिलता है। तो मेरा पहला उद्देश्य है नारायणी को व्यवस्थित करना उसको। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर वहाँ समय पे डॉक्टर और नर्स वगैरह या दवा नहीं मिलता है उसका कारण क्या है, आखिर किसकी जिम्मेवारी बनती है? देखिए, वो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी भी है और एक प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी भी है, स्थानीय सरकार है उसका भी जिम्मेवारी भी है। स्थानीय सरकार को तो इसमें तो बनती है ना, क्या स्थानीय सरकार है तो उन्हें देखे, क्योंकि जब जनता डायरेक्ट उन्हें चुनती है कि आप मेरा देखरेख करें, जो भी जगह है जहाँ भ्रष्टाचार होता है उसे देखरेख करें, लेकिन उसी जगह पर जब भ्रष्टाचार हो जाएगा तो आखिर ये जनता जाएगी कहाँ? इसीलिए हमने कहा कि मेरा एजेंडा जो है जनता से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य का एजेंडा है, 80% जनता नारायणी अस्पताल में इलाज कराता है, तो मैं उसे व्यवस्थित करना चाहता हूँ ताकि वहाँ का और सेवा सुविधा दुरुस्त हो सके, और इसके अलावा जितना लोड है उस लोड को कम भी किया जाए, हर एक वार्ड में स्वास्थ्य चौकी बनाया जाए, सुविधा संपन्न, जहाँ दवा दारू का व्यवस्था हो,
जहाँ प्रसूति का व्यवस्था हो, जहाँ जो अभिभावक लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोग को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिया जाए, ये है। और इसके बाद विकास का बात है, मेरा जो बजट रहेगा वो एकीकृत विकास का होगा, समाज में बैठकर, समाज के साथ छलफल करके, समाज की ज़रूरत क्या है उस हिसाब से हम लोग उसको वहाँ विकास निर्माण का काम लें, चाहे रोड का हो, चाहे नाला का हो, चाहे धर्मशाला का हो, जो भी होता है समाज की आवश्यकता के हिसाब से होगा। अभी जो हम लोग के यहाँ देखा क्या गया है, हम लोग के यहाँ आषाढ़ मसान साल का एंडिंग होता है, तो 15 दिन पहले बजट आता है, कमीशन वाला लोग भाग बंडा करता है, और पानी बरसात शुरू होता है तो विकास का काम शुरू होता है, वो कमीशन में ही ख़त्म हो जाता है। तो मैं एकीकृत विकास के योजना के साथ आया हूँ। मेरा आपका साफ तौर पे कहना है कि अगर मैं आता हूँ तो जितने भी भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी ये सभी बंद कर दी जाएगी। मेरा एजेंडा ही भ्रष्टाचार के खिलाफ में सदाचार का एजेंडा है, ईमानदारिता का एजेंडा, क्योंकि इससे पहले जो जीत कर मुख्यमंत्री जी गए हैं इस क्षेत्र से, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है, हाँ, उन्होंने जनता के साथ ठगी किया, राजनीति बेईमानी किया। पोखरी सौंदर्यीकरण के नाम में बीरगंज में 4 पोखरी, नगवा पोखरी, कोई सौंदर्यीकरण हुआ कि नहीं नहीं बताते हैं, पोखरी सौंदर्यीकरण के नाम में नगवा पोखरी, मुरली पोखरी, क्या कहते हैं ये लछवनवा पोखरी और उधर क्या कहते हैं निचिटा पोखरी, ये 5 में एक भी पोखरी का काम संपन्न नहीं हुआ है। जो मुख्यमंत्री 5 में एक पोखरी का काम नहीं कर सकता है वो तो निकम्मा है, वो तो फेल है, इसलिए परिवर्तन करना है। कहने का मतलब है पूरा पैसा मुख्यमंत्री साहब ढकार गए, एकदम ढकार गए। आपको और हंसी लगेगा सुनकर, उस पोखरी का निर्माण कौन कर रहा है, तो उन्हीं के पार्टी का विधायक कर रहा है जो खुद ठेका लेकर बैठा है, 5 में काम भी नहीं किया, मुख्यमंत्री जी उसको डंडा भी नहीं लगा पाए। कारण क्यों, उनका विधायक है, कमीशन का बात है, घुसखोरी का बात है, इसलिए उसमें भी अनियमितता हो, करोड़ों का अनियमितता है। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम में मुख्यमंत्री जी हजारों हजार साइकिल खरीद किए हैं, उस पर मुद्दा चल रहा है, 23 का मुद्दा अदालत में है, कर्मचारी लोग मुद्दा ढो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं। तब फिर जनता भ्रष्टाचारी को 5 का हिसाब लेगा, हम लोग जीतते हैं, जनता मन बना चुका है। 4 गाछी छाप नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गाछी छाप को जिताने का, हाँ, अब की बार उनको जनता परिवर्तन करेगा, हम लोग जीतते हैं तो पुनः जो करप्शन उन्होंने किया, भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उसका फाइल दोबारा खुलेगा और उन मुख्यमंत्री जी दोषी देखे गए तो जेल के भीतर रहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे प्रत्याशी हैं जब चुनाव लड़ते हैं तो बड़ी बड़ी वादे करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब चुनाव तो है दिखाई भी नहीं देते हैं, जो लोग जीत जाते हैं शायद अपने जो भी वादे किए रहते हैं शायद उन चीज़ों को भूल जाते हैं, तो उस पर क्या करना चाहिए? मैं नेपाली कांग्रेस से जुड़ा हुआ एक सिपाही हूँ, 31 से राजनीति में हूँ, और जनता को मालिक बनाने वाले हर आंदोलन में हमने जनता के लिए लड़ाई लड़ा है, जेल गया है, नेल गया है, इसलिए ये जीत हार तो चलते रहेगा, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहेंगे, जीतेंगे तो जनता का काम करेंगे, ये आपके माध्यम से मैं एकदम विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए अब मैं सादगीपूर्ण किसान का बेटा हूँ, मेरा जीवन शैली एकदम सादगी है, तो मैं एकदम मेरा एजेंडा ही है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार का एजेंडा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो जनता उनके लिए निशुल्क एम्बुलेंस का भी अपनी तरफ से व्यवस्था? एकदम एम्बुलेंस तो बहुत छोटा चीज़ है, हमने स्वास्थ्य चौकी का जो बात आया है, हर एक स्वास्थ्य चौकी में प्रसूति का व्यवस्था हमने कहा, तो एम्बुलेंस कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है एम्बुलेंस। आपका एकदम आपका बात से हम सहमत हैं, इसलिए हमने कहा कि मैंने बहुत छोटी छोटी बातें कही, मैं बड़ा बड़ा प्लान बड़ा बड़ा रोड का बात नहीं कर रहा, मैं जो कर सकता हूँ वही बोल रहा हूँ। दूसरी आपसे बात करेंगे, जिस समय आप नेपाल में आंदोलन चल रहा था, लगभग 6 आंदोलन चला, उस समय में बहुत सारे लोग हैं कि उसमें शहीद भी हो गए, उन शहीद के परिवारों को लोगों को कुछ मुआवजा के तौर पर देने के लिए मुख्यमंत्री जी वादा किए थे, लेकिन शायद कर नहीं पाया जिस प्रकार से उन्होंने किया था, तो उस पर क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री जी राजनीति ठग हैं, राजनीति बेईमान आदमी हैं, उनका कैबिनेट में घोषणा था कि पहले कैबिनेट के बैठक से हम 50 लाख रुपए देंगे, लेकिन एक भी शहीद को 50 लाख रुपए नहीं मिला है, वो काहे नहीं लाते हैं, मीडिया में लाए ना अपना बात कि हमने फलाने शहीद को 50 लाख रुपए दिया है, या फलाने शहीद परिवार को सम्मान किया है, उन लोगों को नौकरी दिया है, वो क्या दे रहे हैं शहीद परिवार को? बकरी और भैंसी दे रहे हैं,
बकरी और भैंसी से कहीं शहीद परिवार का सम्मान होगा? अपना कार्यकर्ता को जो उनका एजेंट है, जो उनका बाउंसर है, उसको ट्रैक्टर दे रहे हैं, 10-10 लाख का ट्रैक्टर फ्री में मिल रहा है, और शहीद परिवार को 5,000 का भैंस बकरी और 50,000 का भैंसी मिला। इसमें भी जातिवाद और पार्टीवाद करते हैं वो, ये इसमें विभेद है। इसलिए तो जानता आज मूड बनाकर बैठा कि भाई आइए, आपसे 5 वर्ष का हिसाब किताब लेना है, जनता मालिक है, मालिक के द्वार पर आइए, आप सेवक हैं, कितना सेवा किए हैं, कितना विकास किए हैं, कितना भ्रष्टाचार किए हैं, सबका हिसाब जनता मांग रहा है, इसका हिसाब किताब वो 4 गते करेगा। अच्छा, एक चीज़ है बेरोजगारी वह है और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर शिक्षा मिलेगा, शिक्षित होंगे लोग, तभी विकसित होगा क्षेत्र संख्या 1 ख, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, शिक्षा मेरा प्राथमिकता में है, हम गरीब परिवार से हैं, हम भी एक सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, नृसिंह माँ भी मेरे गाँव का ही है, 20 वर्ष से उस स्कूल का अध्यक्ष रहे हम। वहाँ पहले जो पढ़ाता नहीं था वो मास्टर लोग रहता था, जो नहीं पढ़ता था वो विद्यार्थी रहता था। उस नर्सिंग विद्यालय आज परसा जिला का टॉप विद्यालय है, सरकारी विद्यालय में हमने वहाँ कंप्यूटर शिक्षा इंजीनियरिंग का स्थापना किया, हमने वहाँ +2 11 और 12 चलता है, अंग्रेजी माध्यम का क्लास चलता है, 3,000 विद्यार्थी है और उसमें से 1,800 खाली महिलाएँ छात्राएँ हैं, हम पढ़ते थे तो 1 लड़की पढ़ती थी, तो हमने शिक्षा में अपना योगदान दिया है, मेरा अनुभव है, इसलिए उस अनुभव को हम अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते हैं। शिक्षा मेरा प्राथमिकता है, मेरा बजट प्राथमिकता में सबसे पहले जीत जाते हैं, तो आपका पहला प्राथमिकता कौन होगा और हमारे जितने भी दर्शक बिन हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं आप, क्या अपील है? मेरा 2 प्राथमिकता है, शिक्षा का सुधार और युवा लोग का रोजगार मेरा नारा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार का मेरा नारा है, और मैं अपने क्षेत्र के आम मतदाता जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप ये 5 वर्ष के काम का मूल्यांकन कीजिए, आपसे जो वोट लेकर 5 वर्ष में आपका जो काम नहीं किया, आपके साथ जो राजनीति बेईमानी किया है, आपका जो विकास का अवरोध किया है, उसको परिवर्तन कीजिए, और परिवर्तन के रूप में नेपाली कांग्रेस के गाछी छाप में अपना अमूल्य मत देकर रामनारायण कुर्मी को विजय कीजिए। मैं हाथ जोड़ से सभी से अपील करना चाहता कि बता दो उन हस्तियों को जो चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं इन गरीब बस्तियों को, और जनता भी इस समय मूड बना ली है कि बताना है उन हस्तियों को जो भूल जाते हैं मौका आने पर इन गरीब बस्तियों को। तो दोबारा भी हम आपसे सवाल करने के लिए आ जाएंगे अगर आपने अपने वादा को पूरा नहीं किया। एकदम, मुझे लगता है ये आपका हक बनता है और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं काम करता हूँ तो आकर मेरा मूल्यांकन कीजिए, मैं काम नहीं करता हूँ तो आप स्वस्थ आलोचना कीजिए। ए मीडिया का बहुत बड़ा अच्छा चीज लिखा है कि मिटावे के बाद भ्रष्टाचार के कहर, बढ़ावे के बाद विकास के लहर, लेकिन जो गाछी छापा है आपका बैलेट पेपर का क्रम संख्या कितना पर है बता दें आप? बैलेट पेपर का क्रम संख्या मेरा 2 है, हाँ, दूसरे नंबर में है मेरा, हाँ, और ये गाछी छाप जो है नेपाल का सबसे पुराना छाप है, नेपाली जनता का अपना छाप है, नेपाली जनता को मालिक बनाने वाला छाप है। गाछी के मतलब छाप के साथ साथ एक ऐसा चीज़ है जो एक शुद्ध वातावरण बनाता है और ऑक्सीजन भी देता है, और इसके अगर धूप उगा हुआ है, धूप ज़्यादा जोर से है, तो आप उसके छाँव में भी रह सकते हैं। पर्यावरण के हिसाब से भी गाछी जो है वो लोक मैत्री है, जनता मैत्री है, और जनता के सुखद सुख दुख में साथ देने वाला हो, वो ज़्यादा धूप होता है तब भी छाया देता है और फल भी देता है ताकि जनता को उसका लाभान्वित हो सके। देखिए, एक ऐसा पौधा है जो आपको फल भी देता है और छाँव भी देता है, साथ साथ में आपका जो जीवन है उसको भी चलाता है, यानी आपको ऑक्सीजन भी देता है और साथ साथ जो पर्यावरण वातावरण है उसको शुद्ध भी करता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ अगले वीडियो तक, तब तक के लिए जय नेपाल, जय हिंद।